वेलकम टू डी आई सी एस दिस इज डॉक्टर राधिका कलोला एंड टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मिसाइल्स तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मिसाइल्स होती क्या है ठीक है उसके बाद हम देखेंगे कि ये मिसाइल काम कैसे करती है और नॉर्मल जो रॉकेट्स होते हैं जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी में आपने पढ़ाई होगा रॉकेट्स के बारे में ये रॉकेट से सिमिलर कैसे है और थोड़ी बहुत ये रॉकेट से अलग भी है तो कहाँ ये अलग है और कहाँ इनमें सिमिलैरिटीज है रॉकेट के अंदर थीके? उसके बाद हम दो टाइप की मिसाइल तो हम स्टार्ट करने वाले मिसाइल से वॉट इज मिसाइल मिसाइल है क्या चीज तो मिसाइल आर रॉकेट प्रोपेल्ड वेपन ये क्या है रॉकेट प्रोपेल्ड वेपन मतलब जैसे रॉकेट काम करता है उसी तरीके से आपकी मिसाइल भी काम करती है मिसाइल के अंदर भी फ्यूल सिस्टम रहता है जैसे आपका रॉकेट सिस्टम में रहता था ठीक है तो इन दोनों चीज में डिफरेंस क्या है रॉकेट और मिसाइल में फिर अंतर क्या रह जाता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप मिसाइल देख पा रहे हो तो ये क्या आपका हेड है ये क्या है आपका हेड बट अगर यहाँ पे रॉकेट होता तो रॉकेट में वॉर हेड की जगह क्या होता वॉर हेड की जगह होता पेलोड क्या होता पेलोड होता राइट right? और यहाँ पे जो वॉर हेड है ये मिसाइल के अंदर जो वॉर हेड रहता है ये क्या कैरी करता है ये कैरी करता है वेपन्स ये क्या कैरी करता है वेपन्स कैरी करता है ये वेपन आपका कन्वेंशनल वेपन भी हो सकता है कन्वेंशनल वेपन भी हो सकते हैं ये वेपन आपका न्यूक्लियर वेपन भी हो सकता है राइट ये वेपन बायोलॉजिकल वेपन भी हो सकता है एंड केमिकल वेपन भी हो सकता है तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेपन को आप यहाँ पे रख सकते हो जिसका यूज करना है थ्रू मिसाइल्स राइट तो ये हो गया आपका वॉर हेड अगर यहाँ पे रॉकेट होता तो वॉर हेड की जगह क्या यूज होता है यहाँ पे पेलोड पेलोड होता और पेलोड में अंदर क्या होता है पेलोड में सैटेलाइट्स जो भी हमें लॉन्च करनी है ऑर्बिट में डालना है वो सैटेलाइट को यहाँ पे रखा जाता है रॉकेट के अंदर बट अगर हम यहाँ पे मिसाइल के बारे में बात कर रहे हैं तो वॉर हेड में क्या रखा जाता है वेपन्स को रखा जाता है इज दैट क्लियर नेक्स्ट जो चीज आती है वॉर हेड के बाद जो चीज आती है वो है कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम क्या है ये जो पार्ट है दिस इज योर कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम तो कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम क्या होता है पहले तो कोई भी मिसाइल को आपने लॉन्च कर दिया तो आपने देखा होगा कि एक मिसाइल दूसरी मिसाइल के पीछे पड़ी हुई है जब तक उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर देगी ना वो उसके उसके पीछे 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 जाती रही। अभी हमारी मिसाइल को कैसे पता है है कि उसके पीछे लगे रहना है भाई ये कैसे पता चलेगा यहाँ पे तो ये जो पता चल रहा है वो पता चल रहा है कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम से तो कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम में सबसे पहले तो क्या होता है जीपीएस होता है क्या रहेगा आपका जीपीएस रहेगा जो लोकेशन बताएगा कि कहां जाके डिस्ट्रक्शन क्रिएट करना है कहां जाके मिसाइल को गिरना है ठीक है तो ये जीपीएस सिस्टम रहेगा जीपीएस सिस्टम के सिवा यहाँ पे जो रहते हैं वो होते हैं क्या होते हैं तो seekers मतलब क्या होता है seekers, मतलब देखने से पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से सीकर होते हैं तो यहाँ पे रडार सीकर हो सकता है सेकंड यहाँ पे लेजर सीकर हो सकता है फिर आपका ऑप्टिकल सीकर हो सकता है देन यहाँ पे आपका रेड सीकर भी हो सकता है इंफ्रा रेड सीकर अभी फॉर एग्जाम्पल एक मिसाइल आगे जा रही है और हमारी मिसाइल उसके पीछे है ठीक है तो हमारी मिसाइल को कैसे पता चल रहा है कि इसने अपना पाथ चेंज कर दिया इसके पीछे ही लगे रहना है इसको कैसे पता चल रहा है तो इसमें या तो आई आर सीकर होगा हमारी मिसाइल में या ऑप्टिकल सीकर हो सकता है या लेजर सीकर या फिर रडार सीकर कि काम कैसे करते हैं सीकर्स फॉर एग्जाम्पल आई आर की बात करते हैं अभी इंफ्रा रेड की बात करते हैं इंफ्रा रेड क्या होता है कोई भी गर्म चीज होती वहां infrared, uh, waves release है. Right? गरम है वहां से इंफ्रा रेड वेवस रिलीज होते हैं राइट कोई भी गर्म चीज है वहां से इंफ्रा रेड रेडिएशन रिलीज होते हैं इज दैट क्लियर तो सपोज यहाँ पे एक मिसाइल है सपोज ये एक मिसाइल है और ये मिसाइल के पीछे क्या आग लगी है राइट right? क्योंकि ये मिसाइल जा रही है ना और इसके पीछे हमारी मिसाइल लगी हुई है भाई इसके इसको इंटरसेप्ट करना है हमारी मिसाइल को ये वाली मिसाइल को इं, इंटरसेप्ट करवाना है ठीक है मतलब डिस्ट्रॉय करना है इस मिसाइल को तो हमारी मिसाइल में क्या लगा होगा सीकर लगा होगा कौन सा सीकर है फॉर एग्जाम्पल आई आर सीकर मतलब जैसे ही यहाँ पे पीछे कम्बशन होके जो आग निकल रही है ना फर्स्ट मिसाइल में वो आग है ठीक है वो गर्म चीज है गर्म चीज है तो वहां पे क्या रिलीज होगा इंफ्रारेड रेडिएशंस और हमारी मिसाइल के अंदर क्या है इंफ्रारेड सीकर्स हमारी मिसाइल इंफ्रारेड सीकर को डिटेक्ट करेगी और जहां जहां इंफ्रारेड रेडिएशन उनको मिलेगी उसके पीछे पीछे वो जाता रहेगा ठीक है इस तरीके से काम करता है आई आर सीकर आते हैं नेक्स्ट ऑप्टिकल सीकर ऑप्टिकल सीकर में इमेजेस इंसर्ट की गई होती है और ये इमेज के थ्रू उसको डिटेक्ट कर सकता है दूसरी मिसाइल को राइट right? फिर आते हैं रडार सीकर जिसमें रडार के थ्रू रडार के थ्रू पता चल रहा है कि आगे कोई मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट करना है देन आता है लेजर सीकर जिसमें लेजर के थ्रू किया जाता है तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्या होता है सीकर होते हैं कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम में अलॉन्ग विदीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मतलब लोकेशन पता करने के लिए ठीक है तो ये दो चीजें होती है आपकी कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम में जो मिसाइल को कंट्रोल कर रही है और गाइड कर रही है कहाँ जाना है किस तरफ जाना है ठीक है आफ्टर कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम अगर आप पीछे देख रहे हो तो पीछे फ्यूल सिस्टम है पूरा अब फ्यूल यहाँ पे कन्वेंशनल फ्यूल का डायग्राम है राइट right? मतलब ये जो डायग्राम है दिस इज कन्वेंशनल फ्यूल मतलब कन्वेंशनल फ्यूल माने क्या होता है जहाँ पे लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल यूज होता है वहां पे कन्वेंशनल इंजिन यूज होते हैं क्या होते हैं कन्वेंशनल इंजन यूज होता है राइट इज दैट क्लियर जहां पे लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल यूज हुआ वहां पे कन्वेंशनल इंजन यूज हो रहा है लिक्विड तो यहाँ पे इंजन अलग होता रहेगा फ्यूल का सिस्टम रहेगा और ये फ्यूल के साथ साथ क्या होगा ऑक्सीडाइजर भी रहेगा क्या रहेगा कन्वेंशनल इंजन की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूल के साथ यहाँ पे ऑक्सीडाइजर भी रहता है ये ऑक्सीडाइजर टैंक है और ये क्या है आपका फ्यूल टैंक है ऑक्सीडाइजर ऑक्सीडाइजर टैंक से ऑक्सीजन oxy, आ रहा है और फ्यूल टैंक से क्या आ रहा है फ्यूल आ रहा है ये दोनों जहां पे मिलेंगे वहां पे कंबशन होगा हीट रिलीज होगा हीट पीछे की तरफ जाएगा कहां पे जाएगा हीट पे पीछे की तरफ जाएगा ना हीट जैसे ही पीछे की तरफ गया आपका मिसाइल आगे की तरफ मूव करेगा हियर कम्स दी न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन यहाँ पे पीछे की तरफ क्या जा रहा है हीट आगे की तरफ मिसाइल ने मूव किया इसी तरीके से आपके रॉकेट्स भी मूव करते हैं जैसे मिसाइल है। तो पे आपका अगर रॉकेट देखे तो वो बहुत ह्यूज बहुत बड़े होते हैं बहुत ज्यादा वेट कैरी कर सकता है बट मिसाइल उसकी कंपेरिजन में बहुत छोटे होते हैं और वो ज्यादा वेट कैरी नहीं कर सकता इज दैट क्लियर तो यहाँ पे मिसाइल क्या है रॉकेट प्रोपेल्ड मतलब जो रॉकेट में फ्यूल यूज होता है वही फ्यूल यहाँ पे यूज हो रहा है कि टारगेट स्पॉट जहां पे भी हमें डिलीवर करवाने जहां पे भी टारगेट फाइट है वहां परेगा ये डिलीवर करेगा एक्सप्लोजिव वॉर हेड मतलब जो भी वेपन वॉर हेड के अंदर होंगे वो टारगेटेड साइड पे जाके गेंगे ये हो गया आपका ये हो गया आपका मिसाइल तो मिसाइल हमने देख लिया क्या होता है मिसाइल और रॉकेट के बीच में डिफरेंस देख लिया और मिसाइल काम कैसे करता है ये भी हमने देख लिया राइट right? इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम देखने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल तो जो क्लासिफिकेशन है मिसाइल का वो बहुत सारे बेसिस पे किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल उसमें कौन सा यूज हो रहा है गाइडेंस सिस्टम उसमें कौन सा है ऑन द बेसिस ऑफ रेंज तो ये बहुत सारे तरीके से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है बट अभी जो आज हम देखने वाले हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन के बेसिस पे दो टाइप की मिसाइल होती है वन इज क्रूज मिसाइल एंड अनदर वन इज बैलिस्टिक मिसाइल इन दोनों मिसाइल में डिफरेंस क्या होता है ये दोनों मिसाइल काम कैसे करती है यही है हमारा आज का टॉपिक फाइन तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो है बैलिस्टिक मिसाइल सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं बैलिस्टिक मिसाइल तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हाइपरबोला या फिर पैराबोला जो भी बोलना है आप बोल सकते हो पाथ फॉलो करता है फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मिसाइल ये मिसाइल लॉन्च हो रही है तो इस तरीके से उसका पाथ पूरा रहेगा ठीक है थीके? उसका प्रोजेक्शन इस तरीके से रहेगा मतलब कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं उनके बेसिस पे हमने दो मिसाइल बताई ना बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल तो बैलिस्टिक मिसाइल मिसाइल हाइपरबोला या फिर पैराबोला पाथ फॉलो करता है आप देख सकते हो यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल पहले लॉन्च हो रही है तो ये पूरा पाथ कैसा है हाइपरबोला और पैराबोला तो बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल जहां से लॉन्च होती है लॉन्च होने के बाद ये के बाहर जाती है एंड एंड अगेन इट इट विल विल द द हिट टारगेट साइट ओके पहले तो वो एटमोस के बाहर गई और फिर वो वापस एटमोस्फियर के अंदर आके वो टारगेट साइट को हिट करती है ये तीन स्टेजेस पे काम करती है जो फर्स्ट स्टेज है यहाँ पे जहां से वो लॉन्च हो रही है उसे बोला जाता है बूस्ट फेज जब अभी तक कहा नहीं गई है एटमोसफियर के बाहर नहीं गई है जैसे वो एटमोस के बाहर चली जाती है तो वो होता है फिर तो वापस से वो री कर रही है एटमोसफेयर के अंदर एंड दैट फेस इज योर टर्मिनल फेस इज दैट क्लियर ये तीन फेसेस में बैलिस्टिक मिसाइल काम करती है अभी बैलिस्टिक मिसाइल काम कैसे कर रही है वो देखते हैं ये तीन फेसेस तो हमने देख लिया कि अलग अलग तीन फेसेस होते हैं For example, अगर ये मिसाइल मिसाइल है, है, इसको हमने हमने लॉन्च लॉन्च किया, किया, इस को किया, तो उसका उसका पूरा guided होता है, यहां तक, यहां तक उसका पूरा path guided होता मतलब तक, तक बचा हुआ पाथ गाइडेंस सिस्टम उसको गाइड नहीं करता वो ग्रेविटी के इंफ्लुएंस में काम कर रहा है कैसे काम कर रहा है जैसे तुमने मिसाइल को लॉन्च किया फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मिसाइल को लॉन्च किया जैसे ही यहाँ पे बैलिस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल मिसाइल को लॉन्च किया गया, right? बैलिस्टिक के अंदर फ्यूल रहेगा दैट क्लियर फ्यूल तो होगा ही ना क्योंकि फ्यूल के बिना तो कैसे ऊपर जाएगा जैसे फ्यूल कंबशन हुआ हीट रिलीज हुआ हीट पीछे की तरफ रिलीज हुआ मिसाइल आपकी ऊपर की तरफ गई दैट क्लियर जैसे ही मिसाइल यहाँ तक पहुँचती है बैलिस्टिक मिसाइल जैसे यहाँ तक पहुँचती है वो फ्यूल कंज्यूम करती है उसको गाइडेंस सिस्टम गाइड कर रहा है, बट जैसे यहाँ पहुँच गई इधर पहुँचने के बाद क्या हो रहा है इधर पहुँचने के बाद जो फ्री फॉल हो रहा है उसका वो तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है

फ्यूल कंजप्शन पे कम होगा बिकॉज हाफ हाफ रेंज पाथ तक ही हमें फ्यूल प्रोवाइड करना है बाकी का पूरा जो पाथ है वो तो खुद ही अंडर अंडर द द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो काम कर रहा है तो वहां पे फ्यूल कंजप्शन नहीं होगा फिर जो हाफ पाथ है वहां तक पूरा गाइडेड होगा मिसाइल और हाफ है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो ग्रेविटी uh, के इन्फ्लुएंस में आके वो फॉल करेगा और वो हिट करेगा टारगेट साइड पे इज दैट क्लियर ये हो गया आपका बैलिस्टिक मिसाइल का ओवरव्यू कि बैलिस्टिक मिसाइल काम कैसे करती है आफ्टर बैलिस्टिक मिसाइल हम देखने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल तो बैलिस्टिक मिसाइल का मोस्टली जो यूज किया जाता है वो लॉन्ग रेंज के लिए यूज किया जाता है अगर कोई भी टारगेट लॉन्ग बहुत दूरी पे है बहुत दूरी डिस्टेंस पे है तो वहां पे हम क्रूज मिसाइल का यूज ना करते हो हम कौन से मिसाइल का यूज करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ करेंगे तो बैलिस्टिक मिसाइल का जो क्लासिफिकेशन है वो भी उसके रेंज पे ही है मतलब उसके डिस्टेंस के बेसिस पे ही किया गया है तो फर्स्ट जो उसका क्लासिफिकेशन में है दैट इज़ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे इसको शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को एस आर बी एम मिसाइल भी बोला जाता है और एस आर बी एम का जो रेंज रहता है दैट इज़ थ्री हंड्रेड किलोमीटर टू थाउजेंड किलोमीटर

इसको क्या बोला जाता है आई भी बोला जाता है या फिर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी बोला जाता है एल भी बोला जाता है एज क्लियर और यहाँ पे इसका जो रेंज रहता है दैट इज बिटवीन थर्टी फाइव हंड्रेड किलोमीटर टू फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर एज क्लियर एंड लास्ट क्लासिफिकेशन इज इंटर बैलिस्टिक मिसाइल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और ICBM का जो रेंज रहता है दैट इज मोर देन 5500 किलोमीटर अभी कमेंट में आप मुझे आंसर करोगे कि हमारे पास मतलब इंडिया के पास कोई भी IRBM ICBM मिसाइल है या नहीं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है या नहीं Is that clear? अब बहुत सारे ऐसे कंट्री है जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है फॉर एग्जांपल यूएस के पास है रशिया के पास है चाइना के पास भी है आपका क्लासिफिकेशन बैलिस्टिक मिसाइल का आफ्टर बैलिस्टिक मिसाइल वी विल सी हाउ क्रूज मिसाइल वर्क क्रूज मिसाइल क्या होता है और क्रूज मिसाइल काम कैसे करती है ये हम देखेंगे तो अगर क्रूज मिसाइल की बात करें तो क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह एटमोसफियर के बाहर नहीं जाती है वो एटमोसफियर के अंदर ही काम करती है जैसे ही क्रूज मिसाइल यहाँ से लॉन्च होगा वो एटमोसफियर में थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आके वो अर्थ सरफेस के पैरलर ही ग्लाइड करता है अर्थ की सरफेस है सपोज ये और क्रूज मिसाइल उसकी सरफेस के पैरेलल ही ग्लाइड करेगा उसके ऊपर ऊपर ही ग्लाइड करता है अराउंड फिफ्टीन टू थर्टी किलोमीटर उसके ऊपर रहकर वो ग्लाइड करेगा एज एट क्लियर मतलब ये एटमोसफेयर के बाहर नहीं जाता ये एटमोसफियर के अंदर ही रहता है क्रूज मिसाइल सेकेंड अगर क्रूज मिसाइल हम यूज़ कर रहे हैं तो शॉर्ट डिस्टेंस अगर होगा वहीं भी यूज़ करेंगे एंड थर्ड अगर क्रूज मिसाइल का यूज़ किया जा रहा है तो क्रूज मिसाइल का आ, यूज टारगेट टारगेट अगर साइड मूवेबल है वहां पे यूज करेंगे जैसे अगर बैलिस्टिक मिसाइल का यूज कर रहे थे तो टारगेट वहां पे फिक्स रहता था अगर टारगेट यहाँ पे है हमने बैलिस्टिक मिसाइल में पूरा सिस्टम में डाल दिया और जैसे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हो गया टारगेट मूव कर दिया वो आगे चला गया तो बैलिस्टिक मिसाइल इस टारगेट को मिस कर देगा इज दैट क्लियर बट क्रूज मिसाइल में ऐसा नहीं होता क्रूज मिसाइल में वो टारगेट साइट के पीछे पीछे ही जाएगा और वो जब तक हिट नहीं करेगा टारगेट को तब तक वो रुकेगा नहीं इज दैट क्लियर सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल मिसाइल आगे हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूज मिसाइल अभी बैलिस्टिक मिसाइल को हम रेंज के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे थे क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा रेंज कवर करती है क्रूज मिसाइल कंपेरिटिवली बैलिस्टिक मिसाइल की कंपेरिजन में कम रेंज कवर करती है बट क्रूज मिसाइल को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड स्पीड के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है तो फर्स्ट यहाँ पे होता है सबसोनिक स्पीड फर्स्ट क्या होता है यहाँ पे सबसोनिक स्पीड आफ्टर सबसोनिक स्पीड देर इज ट्रांसोनिक स्पीड यहां पे क्या आएगा बीच में ट्रांसोनिक भी आता है ठीक है ट्रांसोनिक स्पीड एंड आफ्टर ट्रांसोनिक स्पीड देयर सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक स्पीड अभी ये सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक है क्या ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो इसको पता करने के लिए पहले हम देखते हैं कि साउंड का स्पीड कितना होता है स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकंड एट 20 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो ये स्पीड भी वेरी करेगा is that clear? अभी जो हम ले रहे हैं यहाँ पे वो 20 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पीड रहता है वो ले रहे हैं 343 मीटर पर सेकेंड वो है साउंड का स्पीड ओके okay? अभी हम देखेंगे मैक नंबर क्या होता है ओके मैक नंबर क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड नीचे क्या होगा स्पीड ऑफ साउंड ऊपर क्या रहेगा ऊपर रहेगा आपका स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड इन दोनों का जो होगा दैट दैट इज इज योर मैक नंबर क्लियर स्पीड ऑफ साउंड जो है अगर स्पीड ऑफ साउंड हमने ले लिया 343 वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है स्पीड ऑफ साउंड से कम है अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर स्पीड ऑफ साउंड से कम है तो जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी वो आएगी लेस देन वन मैक वो वो नंबर क्या आएगा लेस देन वन मैक और वो स्पीड आपकी बनती है सब सोनिक क्या बनता है वो सब सोनिक अगर ये दोनों नंबर सेम होते हैं यहाँ पे 343 और जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है वो भी सेम रहता साउंड के स्पीड से तो यहाँ पे जो नंबर बनता वो क्या बनता यहाँ पे नंबर बनता वो बनता वन मैक वो क्या बनता वन मैक नंबर And अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड आपके साउंड की स्पीड जितना है तो उसको बोला जाता है ट्रांसोनिक ट्रांसोनिक स्पीड इज क्लियर अगर कम है आपके ऑब्जेक्ट का स्पीड साउंड की स्पीड से स्पीड राइट uh, right? अगर आपके ऑब्जेक्ट का स्पीड है सिक्स एटी सिक्स मतलब दो गुना हुआ जितना साउंड का स्पीड है उससे दो गुना स्पीड हुआ तो अगर आपका साउंड के स्पीड से ज्यादा हुआ मतलब कितना ज्यादा हुआ अराउंड टू टू फाइव मैक टू टू फाइव मैक अगर स्पीड होता है तो उसे बोला जाता है सुपरसोनिक स्पीड अगर साउंड की स्पीड से अगर साउंड की स्पीड से इसका स्पीड मोर देन मोर देन फाइव मैक होता है हाइपरसोनिक स्पीड इज दैट क्लियर अगर कोई भी क्रूज मिसाइल सबसोनिक स्पीड में जा रही है तो उसे बोला जाता है सबसोनिक क्रूज मिसाइल अगर कोई भी क्रूज मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर रहा है ट्रैवल कर रहा है इंडिया के पास सब सोनिक क्रूज मिसाइल है दैट एग्जाम्पल निर्भया निर्भया जो मिसाइल है दैट इज योर सुपर सब सोनिक क्रूज मिसाइल इंडिया के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मोस प्रमोस का स्पीड है, है वो है सुपरसोनिक स्पीड अभी आपको कमेंट में मुझे इसका भी आंसर करना है कि इंडिया के पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है या नहीं है और अगर है तो कौन सी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इंडिया के पास ओके तो ये हो गया आपका मैक नंबर क्या होता है मैक नंबर कैलकुलेट कैसे किया जाता है और क्रूज मिसाइल का क्लासिफिकेशन इज क्लियर नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट जो हम देखने वाले डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल हमने देख ही लिया है ऑलमोस्ट बट यहाँ पे एकदम अच्छे से देखेंगे डिफरेंस इन दोनों में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में पहला जो है यहाँ पे वो है प्रोपेल्ड ओके फाइन फर्स्ट जो है यहाँ पे अगर बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो ये प्रोपेल्ड होगा आफ्टर द लॉन्च लॉन्च होने के बाद वो डायरेक्टली प्रोपेल्ड होगा और यहाँ पे ये कैसा होगा सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब लास्ट तक जब तक वो टारगेट को हिट नहीं कर देता तब तक वहां पे अंदर फ्यूल होगा कंबशन होगा वो यूज करता रहेगा बट यहाँ पे फ्यूल कहाँ तक यूज होता है उसके हाफ ट्रेजेक्टरी तक ही यूज होता है आफ्टर वर्ड ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो काम करता है

लॉन्ग रेंज के लिए अगर हमें यूज करना है लॉन्ग रेंज पे अगर टारगेट को हिट करना है तो हम क्या यूज करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल को इज दैट क्लियर और अगर शॉर्ट रेंज के लिए हमें यूज करना है देन वी विल यूज क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाता है और जो क्रूज मिसाइल है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर रह के ही काम कर रहा है ये बाहर जाता है एंड वापस इट विल री एंटर इन टू दर बैलिस्टिक मिसाइल ओके नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रिसीजन होगा वो बहुत कम है प्रिसीजन मतलब अगर टारगेट अपनी साइड से मूव करेगा तो बैलिस्टिक मिसाइल उस टारगेट को मिस कर देगा बट क्रूज मिसाइल में जो प्रिसीजन होगा वो हाई प्रिसीजन होगा क्यों बिकॉज क्रूज मिसाइल आपकी टारगेट मिसाइल के पीछे पीछे ही मूव कर रहा है जब तक उसको वो हिट नहीं करेगा तब तक वो रुकेगा नहीं तो प्रिसीजन में हाई रहेगा प्रिसीजन हाई रहेगा क्रूज मिसाइल में इज दैट क्लियर नेक्स्ट यहाँ पे जो रेंज अब मैंने बता दिया पहले लॉन्ग रेंज के लिए यूज होता है अराउंड थ्री हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेल्व थाउजेंड किलोमीटर चाइना इज हैविंग दिस मिसाइल ट्वेल्व थाउजेंड किलोमीटर वाला मिसाइल चाइना के पास है अभी ठीक है और यहाँ पे जो रेंज रहता है वो रहता है पांच सौ से कम फाइव हंड्रेड किलोमीटर से कम रेंज रहता है किसमें क्रूज मिसाइल में ड कितना वेपन लेके जा सकता है वो ज्यादा लेके जा सकता है एज कम्पेयर टू क्रूज मिसाइल यहाँ पे लिमिटेड वॉरहेड को ही कैरी किया जा सकता है क्योंकि क्रूज मिसाइल छोटी होती है एज कम्पेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल्स और यहाँ पे क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल में मल्टीपल पेलोड भी यूज होता है मल्टीपल पेलोड मतलब क्या होता है मैं अभी बताती हूं अगर मल्टीपल पेलोड है तो इनको बोला जाता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री वेहीकल देखो ये क्या होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री ये क्या चीज है सी देख रहे हो यहाँ पे ये क्रूज ये बैलिस्टिक मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई थी यहां से ये बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर मल्टीपल यहाँ पे तीन तीन है? तो ये मल्टीपल वॉरेड क्या कर रहे हैं एम आई आर वी टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है जिसमें मल्टीपल वॉर होता है जिन बैलिस्टिक मिसाइल में मल्टीपल वॉर होता है ठीक है सिंगल वॉरड भी हो सकता है और मल्टीपल वॉरेड भी हो सकता है ये हो गया हमारा this this point, this point is done. next is, this is developed to primarily, primary ये क्या carry करता है आपका nuclear warhead को ये carry करता है और यहाँ पे conventional warhead होता है इसका रीजन क्या होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर warhead कैरी करेगा और क्रूज uh, मिसाइल जो है वो कन्वेंशनल warhead कैरी करता है क्योंकि ये लॉन्ग रेंज है ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्ग रेंज वाला है अगर हम न्यूक्लियर warhead यहाँ पे डाल दें क्रूज मिसाइल में जो कि शॉर्ट रेंज है तो हो सकता है कि हमारी ही कंट्री की टेरिटरी में जाके ये गिरे और न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन हो सकता है राइट right? और लॉन्ग रेंज है तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक भी ये टारगेट को हिट कर सकता है ठीक है तो यहाँ पे मोस्टली हम न्यूक्लियर वॉर हेड यूज कर सकते हैं

के चांसेस किसके ज्यादा है क्रूज मिसाइल के या बैलिस्टिक मिसाइल के बैलिस्टिक मिसाइल है वो इजीली इंटरसेप्ट हो सकती है क्योंकि वो इतना ज्यादा रेंज बाहर जा रहा है ऊपर से वापस अंदर आ रहा है तो उसके इंटरसेप्शन के चांसेस ज्यादा है रडार के थ्रू और क्रूज मिसाइल के इंटरसेप्शन के चांसेस सिर्फ इतने तो से ही है ठीक है तो यहाँ पे रडार से बैलिस्टिक मिसाइल को ईजिली इंटरसेप्ट किया जा सकता है क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करना मुश्किल है विद्प ऑफ विद्प ऑफ रडार्स इज दैट क्लियर सेकेंड यहाँ पे जो क्रूज मिसाइल है उसका स्पीड ज़्यादा होने की वजह से भी आ, उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता मतलब दूसरी मिसाइल उसको इंटरसेप्ट आके डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी तो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन क्रूज एंड बेलिस्टिक मिसाइल इज दैट क्लियर एंड लास्ट जो उसमें इंजिन यूज होते हैं वो कौन से है कन्वेंशनल इंजन क्या होता है जेट इंजन क्या होता है ये पता होना चाहिए हमें तो कन्वेंशनल इंजन क्या होता है कन्वेंशनल इंजन मतलब फ्यूल टैंक के साथ साथ फ्यूल टैंक के साथ साथ इसमें ऑक्सीडाइजर भी रहेगा क्या रहेगा ऑक्सीडाइजर भी रहेगा सी दिस इज अ फ्यूल टैंक जहां पे लिक्विड फ्यूल हो सकता है जहां पे आपका सॉलिड फ्यूल भी हो सकता है बट उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है ऑक्सीडाइजर टैंक भी है मतलब ऑक्सीजन कंप्रेस्ड ऑक्सीजन जो आपके एटमोस्फियर में प्रेजेंट है उसी ऑक्सीजन को कंप्रेस करके यहाँ पे टैंक में भरा हुआ है राइट right? अगर कोई भी चीज को जलाना है हमें तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है

अगर ऑक्सीजन साथ में लेके नहीं जा रहे तो फ्यूल कैसे चलेगा फिर अंदर है ना ये इंटरेस्टिंग चीज देखो इसमें कैसे होता है अगर यहां पे ऑक्सीजन आप साथ में लेके नहीं जा रहे हो ठीक है तो ये ऑक्सीजन कहां से यूज करेगा एटमोस्फियर वाला ऑक्सीजन यूज करेगा इसलिए जेट इंजन को एयर ब्रीदिंग इंजन भी बोला जाता है इसलिए इसको एयर ब्रीदिंग इंजिन भी बोला जाता है इज दैट क्लियर फर्स्ट थिंग सेकेंड एक एग्जाम्पल सुनो अभी ठीक है, है, कर रहे हो, अगर आपका स्पीड 20 km, 20 km per hour, जितना आपका जितना होगा, उतनी ही स्पीड से आपके मुंह पे हवा आके टकराएगी, जैसे आपने स्पीड बढ़ाया, आपके व्हीकल का जैसे आपने स्पीड बढ़ाया एक्सेलरेटर दिया और स्पीड बढ़ा वैसे ही जो हवा टकरा रही थी आपके मुंह पे उसका स्पीड भी बढ़ जाएगा होता है या नहीं होता है उसी चीज का यहाँ पे यूज करना है कैसे देखो अभी हो क्या रहा है यहाँ पे ये जो जेट है उसको इनिशियली थोड़ा ऑक्सीडाइजर देना पड़ेगा एक स्पीड तक पहुंचाने के लिए उसको थोड़ा ऑक्सीडाइजर लेके जाना पड़ेगा मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम रैम जेट की बात कर रहे हैं रैम जेट इंजन की बात कर रहे हैं तो रैम जेट का जो स्पीड रहता है दैट इज सुपरसोनिक स्पीड मतलब वन टू फाइव मैक के बीच में इसका स्पीड रहता है तो इसको इनिशियल ट्रांसोनिक या सबसोनिक स्पीड तक तो जाना ही पड़ेगा राइट इनिशियल जब ये ट्रांसोनिक या सबसोनिक स्पीड तक पहुंच जाता है

थोड़ा सा फनल शेप रहता है तो जैसे ही हवा यहाँ पे टकराई इसने पहले इतना इतना वॉल्यूम किया जैसे ही अंदर की तरफ जा रही है तो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई कर रही है हवा अभी जैसे वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई कर रही है ये हवा तो ये नेचुरल कंप्रेशन हो रहा है एयर का अगर नेचुरल कंप्रेशन हो रहा है एयर का इट मीनस जो हम ऑक्सीडाइजर में कम्प्रेस करके ऑक्सीजन लेके जा रहे थे वैसा ही चीज यहाँ पे नेचुरली हो रहा है इनिशियल हमें ऑक्सीडाइज़र लेके जाना पड़ेगा ट्रांसोनिक एंड सब सोनिक स्पीड अचीव करने के लिए जैसे ही इतना स्पीड अचीव हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स शेप बिकॉज ऑफ इट्स शेप यहाँ पे नेचुरल कंप्रेशन होगा और नेचुरल कंप्रेशन के बाद ये जो ऑक्सीजन है वो फ्यूल के साथ मिक्स होगा यहाँ पे फ्यूल डक्ट है, यहाँ से फ्यूल आ रहा है और जैसे ये एयर और फ्यूल मिक्स होगा कंबशन होगा हीट पीछे जाएगा आपका जेट आगे की तरफ मूव करेगा दे दिस हैपेंस इन दी रैम जेट ये किस में होता है रैम जेट में होता है ठीक है तो रैम जेट का जो स्पीड रहता है रैम जेट का जो स्पीड रहता है वो कितना रहता है सुपरसोनिक स्पीड रहता है मतलब अराउंड वन टू फाइव मैक के बीच में रहता है बट अगर उससे भी ज्यादा स्पीड आपको अचीव करना है हाइपरसोनिक एंड हाई हाइपरसोनिक स्पीड अचीव करना है तो वहां पर रैमजेट की जगह कौन सा इंजन यूज करोगे आप स्क्रैम जेट इंजन यूज करोगे कौन सा स्क्रैम जेट ठीक मतलब है जेट मतलब, जेट मतलब सुपरसोनिक कंबशन रैम रैमजेट सुपरसोनिक कंबस रैमजेट इसका फुल फॉर्म होता है स्क्रैम जेट का रैमजेट की तरह ही काम करता है बट थोड़ा सा उसके शेप में मॉडिफिकेशन होता है इस वजह से स्क्रैम जेट जो है वो आपका हाइपरसोनिक स्पीड तक हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर पाता है अगर स्क्रैम जेट इंजन है तो स्क्रैम जेट इंजन में क्या होगा इनिशियल आपको कितनी स्पीड तक लेके जाना होगा इनिशियल आपको स्पीड लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे सुपरसोनिक स्पीड राइट सुपरसोनिक स्पीड अचीव कर ले उतना आपके जेट में क्या होना चाहिए ऑक्सीडाइजर होना चाहिए जैसे ही सुपरसोनिक स्पीड अचीव हो गई ऑक्सीडाइजर खत्म हो जाएगा नेचुरल कंप्रेशन होगा और आपका स्पीड अचीव होगा हाइपरसोनिक किसमें स्क्रैम जेट में दिस हैपेंस इन दी जेट इंजन इज दैट क्लियर कन्वेंशनल इंजन और जेट इंजन कैसे काम करता है आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक एंड लास्ट जो हम देखने वाले वो है टर्बो जेट इंजन टर्बो जेट इंजन कैसे काम करता है जो एयरक्राफ्ट होता है ना जो प्लेन प्लेन में बैठते हो ना तो उसमें जो एयरक्राफ्ट में जो इंजिन होते हैं वो होते हैं आपके टर्बो जेट उसमें कौन से होते हैं टर्बो जेट राइट right? एयरक्राफ्ट में ये फैन देखा है सबने देखा है ना सबने ये फैन क्या करता है फैन अपने आगे फैन जब चलना शुरू होता है जैसे एयरक्राफ्ट चलना शुरू करता है फैन घूमना शुरू करता है और फैन घूमेगा वो पूरी एयर को सक करेगा अंदर की तरफ ले लेगा जैसे ही एयर अंदर की तरफ जाती है तो यहाँ पे कंप्रेसर होता है और वो एयर को क्या करता है वो एयर को क्या करेगा कंप्रेस करेगा यहाँ पे एयर का कंप्रेशन हुआ ठीक है यहाँ पे नेचुरल शेप की वजह से कंप्रेशन नहीं हो रहा जैसा हमारा जेट इंजन में हो रहा था यहाँ पे कंप्रेशन हमें रखना पड़ा और इस कंप्रेशन की वजह से क्या हो रहा है एयर कंप्रेस हो रही है लेटर ऑन यहाँ से फ्यूल डक्ट में से क्या आएगा फ्यूल आएगा और कंप्रेस एयर और फ्यूल जब कॉन्टेक्ट में आएंगे तो कंबेशन होगा और जैसे ही कंबस्टन होगी ये जो हीट रिलीज हुआ है ये सारी हीट को एक साथ बाहर फेंकने के लिए पीछे की तरफ क्या लगे होते हैं टर्बाइन लगे होते हैं जैसे ही टर्बाइन घूमता है हीट पूरा सक करके वो बाहर की तरफ फेंक देता है जैसे हीट बाहर की तरफ गया आपका स्पेस आगे की तरफ मूव करता है सो दिस इन दी नॉर्मल स्पेस क्राफ्ट सो दिस इज ऑल अबाउट योर बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल एंड हाउ मिसाइल वर्क्स एंड हाउ मिसाइल इंजन वर्क्स सो थैंक यू एंड हैव नाइस डे आई होप यू आर कियर विद दिस टॉपिक